और अब खबर करनाल से, जहां पर हैफेड गोदाम में गेहूं सड़ने का मामला सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर, गोदाम के इंचार्ज समेत दो कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। करनाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है, गोदाम के इंचार्ज समेत दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। हैफेड गोदाम में गेहूं सड़ने का यह पूरा मामला, जिसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार खबर बनाए हुआ था और खबर का असर देखने को मिल रहा है। सस्पेंड यहां पर किया गया है कर्मचारियों को, इंचार्ज के साथ दो कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है, बड़ा असर देखने को मिला, जहां पर गोदाम में रखा जो अनाज था वो सड़ गया था। इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, गोदाम के इंचार्ज और दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। तो खबर का असर देखने को मिल रहा है, हरियाणा से बड़ी खबर, गोदाम के इंचार्ज समेत दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। हैफेड गोदाम बताया जा रहा है, जहां पे अनाज के सड़ने का ये पूरा मामला सामने आया था और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। तीन लोगों को यहां पर सस्पेंड किया गया है, गोदाम के इंचार्ज और दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। हैफेड गोदाम में गेहूं सड़ने का यह पूरा मामला, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बड़ी कार्रवाई की गई है और लगातार हमारा चैनल इस खबर पर नजर बनाए हुआ था और आखिरकार खबर का असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने लगातार जो है सरकारी गोदामों में जिस तरह विभागीय अधिकारियों के लापरवाही के चलते अनाज सड़ रहा था, उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद जो है विभाग इस मामले को लेकर हरकत में आया है और जो भी अधिकारी कर्मचारी इस मामले में दोषी थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी जो जानकारी हैफेड की तरफ से मिल रही है, तो आरंभिक तौर पर जो गोदाम के इंचार्ज ईश्वर मोर थे, वहीं जो तकनीकी अधिकारी अनिल कुमार थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। जी क्या लगता है आगे पूरे मामले को लेकर और कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी आने वाले समय में और भी इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एफसीआई के द्वारा जो जानकारी इस मामले में मिली है उसके अनुसार एफसीआई के अधिकारी लगातार हैफेड को इस तरह की चेतावनी जारी कर रहे थे पत्र के माध्यम से कि गोदामों में रखा हुआ गेहूं सड़ रहा है, उसके रखरखाव में कमी है। करीब दर्जन भर पत्र ऐसे हैं जो डीएम करनाल को लिखे गए थे, बावजूद इसके हैफेड के अधिकारियों ने उन पत्र पर संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते करोड़ों रुपए का गेहूं बर्बाद हुआ। तो आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिला अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।